आज रात तक बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के समुद्र तटों से टकरा सकता है। मौसम विभाग की अगर माने तो इस दौरान 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तूफानी हवाओं की वजह से समंदर में 1.5 मीटर ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं, जिसको लेकर कोस्ट गार्ड की टीम भी अलर्ट पर है। रेस्क्यू टीमों के साथ ही कई जहाजों को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, नादिया और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको ये भी बता दें, कई जगहों पर उड़ानें तक रद्द कर दी गई हैं। मछुआरों को 27 मई तक बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। जिन इलाकों में तूफान का ज्यादा असर दिख सकता है वहां एहतियात के तौर पर NDRF की टीमें तैनात हैं। फिलहाल सेना और नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तटीय जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुझे प्राइड है। महबूबा